तो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। लेकर के आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग एक ट्रेंडिंग पेज की बात करेंगे जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा, तो यहाँ पे देख सकते हो यार कितना ज़्यादा इस बंदे का फॉलोअर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10,000 के आसपास इसका फॉलोअर होने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग बात करते हैं रील की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रील ये बंदा अपलोड करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना कितना ज़्यादा इसका व्यूज़ आया है रील में। एंड अब बात करते हैं हम लोग प्रीव्यू की, तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का रील को एडिटिंग करता है, वो भी बिंग AI वेबसाइट के थ्रू। एंड यहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू आप लोग एक क्लिक में आप लोग इस तरह का AI वाला फ़ोटो बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करके ढेर सारा व्यूज़ ला सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा एडिटिंग करना भी नहीं होता है एंड एक क्लिक में आप लोग का ये फ़ोटो बन जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी रील को बनाने का। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले अपने होम का स्क्रीन में आ चुके हैं हम लोग। एंड आप लोगों को कुछ ऐप का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को कैपकट डाउनलोड करना है एंड सिक्योर VPN एंड एलाइट मोशन एंड टेलीग्राम। एंड जैसे ही आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लोगे एंड इस वाले वीडियो में आ जाना है एंड इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके आप लोग का टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। एंड जैसे ही ज्वाइन कर लोगे चैनल, तो आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग को हमारा चैनल दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से हमारा चैनल दिखाई देगा। एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साउंड वीडियो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को साउंड वीडियो यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट में क्लिक करके आप लोग को सेव यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट में क्लिक करना है। एंड आप जैसे ही आप लोग 3 डॉट में आप लोग को क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप लोग को सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को साउंड वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में से कोई सा भी एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। एंड जैसे ही आप लोग प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हो तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, आप लोग को यहाँ पे एक ब्राउज़र आप लोग को ले लेना है। एंड आप लोग कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन करना है। एंड जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो जाता है आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है Bing AI जनरेटर करके। आप लोग को यहाँ देख सकते हो जैसे ही आप लोग Bing AI जनरेटर करके सर्च करोगे आप लोग को फर्स्ट वेबसाइट में आना है। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट वेबसाइट में आप लोग को जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पे आप देख सकते हो Bing का एक वेबसाइट खुल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 15 कॉइन आप लोग को डेली का मिलेगा। 3 लाइन में आप लोग को सिंपली से क्लिक करना है। एंड आप लोग को यहाँ पे अपना ईमेल से अकाउंट एक बना लेना है। एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना लिया हूँ। एंड यहाँ पे बनाने के बाद आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पे टेक्स्ट कुछ इस तरह से आप लोग को टेक्स्ट को आप लोग को लिख लेना एंड पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है आप लोग को। एंड जैसे ही अपना नाम लिख लोगे आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट वाला ऑप्शन, तो क्रिएट वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्रिएट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे कुछ देर आप लोग को वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। एंड आप लोग जैसे ही आप लोग को यहाँ पे वेट कर लोगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बन चुका है हमारा फोटो। एंड जैसे आप लोग को फोटो बन जाएगा एंड आप लोग को कोई सा भी एक फोटो को यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए कोई भी फोटो में एक क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो खुल चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे में दिखाई देगा 3 डॉट वाला ऑप्शन, क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड फोटो आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को अब आप लोग को यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पे टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में एक और आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा। तो आप लोग दोनों में से कोई सा भी एक दोनों में से आप लोग कोई सा भी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला किए थे एंड अब आप लोग को सेकेंड वाला करके भी हम लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड वाला आप लोग को टेक्स्ट ले लेना है। एंड जैसे ही आप लोग सेकेंड वाला टेक्स्ट लोगे एंड देन आप लोग को क्रिएट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्रिएट वाला ऑप्शन में क्लिक करे हुए एंड कुछ आप लोग को वेट कर लेना है। एंड जैसे ही वेट कर लोगे यहाँ पे आप लोग को जैसे ही आप लोग वेट कर लोगे एंड आपको फोटो बन के तैयार हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरह से हम लोग का फोटो बन चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग दोनों में से कोई सा भी फोटो बना सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह से आप लोग को इस वाला फोटो को भी डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग को बैक करना है। एंड बैक करने के बाद दोस्तों आप लोग को होम स्क्रीन में आना है। एंड होम स्क्रीन में आने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एलाइट मोशन दिखाई दे रहा है, तो एलाइट मोशन को ओपन करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से एलाइट मोशन ओपन होगा। जैसे ही एलाइट मोशन ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे 9:16 आप लोग को सिलेक्ट करना है एंड 1080p एंड यहाँ पे 30 FPS एंड देन आप लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। एंड अब आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्लस का आइकन में क्लिक करके आप लोग को मीडिया में जाना है। एंड मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को साउंड वीडियो को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना है साउंड वीडियो को, यहाँ पे आप लोग को ढूंढ के ऐड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो साउंड वीडियो हमारा ऐड हो चुका है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे
फर्स्ट में जाना है एंड फर्स्ट में मीडिया में जाना है एंड मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आप लोग जो भी फोटो को यहाँ पे डाउनलोड किया यहाँ पे आप लोग को ऐड कर देना है। इसका लेंथ बढ़ा के आप लोग को यहाँ पे साउंड वीडियो कितना रखना है तो इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे लेंथ इसका बढ़ा देना है एंड लेंथ बढ़ाने के बाद दोस्तों आप लोग को साउंड वीडियो को डिलीट कर देना है एंड वीडियो डिलीट करने के बाद दोस्तों इसका डुप्लीकेट हम लोग बनाएंगे तो इस फोटो में आप लोग को क्लिक करना है एंड फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में इस वाला ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट लेयर में तो आप लोग को इसमें क्लिक करना है एंड देख सकते हो हमारा फोटो का डुप्लीकेट बन चुका है एंड डुप्लीकेट बन जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आप लोग को इस वाले जो सेकंड वाला जो लेयर है फोटो का इसमें आप लोग को क्लिक करना है एंड आप लोग को ऊपर में आप लोग को थ्री डॉट में क्लिक करना है एंड थ्री डॉट में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा फिल टू कॉम्पोजिशन एरिया तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके इस फोटो को कॉम्पोजिशन एरिया तक फिल कर देना है एंड यहाँ पे जैसे फिल हो जाएगा एंड आप लोग को नीचे में दिखाई देगा इफेक्ट वाला ऑप्शन में तो आप लोग को इसमें क्लिक करना है एंड आप लोग को एड इफेक्ट में जाना है एंड ऊपर में आप लोग को गैजियन इफेक्ट आप लोग को गैजियन ब्लर आप लोग को सर्च करना है देख सकते हो गैजियन ब्लर आप लोग को फर्स्ट में ही दिखाई देगा तो आप लोग को गैजियन ब्लर में आप लोग को क्लिक करके आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे 0.250 के आसपास आप लोग को रख लेना है एंड जैसे ही इतना हो जाएगा एंड आप लोग को यहाँ पे सेकंड जो फोटो हम लोग का है फर्स्ट फोटो में आप लोग को क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टॉक को इनेबल करके आप लोग को यहाँ पे 0.8 के आसपास रख देना है 8.0 एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8.0 के आसपास रख सकते हो या फिर 0.5 के भी आसपास रख सकते हो देख सकते हो इनेबल एंड स्टॉक का कलर आप लोग को वाइट रखना है एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को शेडो को भी यहाँ से इनेबल कर देना है तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे शेडो को 30 यहाँ पे साइज रहेगा एंड यहाँ पे आप लोग को पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे एक्स वाई आप लोग का यहाँ पे 0.0 होगा एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को शेडो को यहाँ से इनेबल कर देना है जैसे इनेबल करते हो तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा साइज वाला तो साइज में आप लोग को जाना है एंड यहाँ पे थर्ड नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसका साइज़ को हम लोग को छोटा करना है एंड जैसे ही छोटा कर लोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा एंड आप लोग को वीडियो को सेव करना है तो आप लोग को एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे हमारा वीडियो तो सेव होने लग जाएगा एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो सेव हो चुका है एंड आप लोग को सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आप लोग को बैक आ जाना है एंड अब आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है वीपीएन तो वीपीएन को आप लोग को लगा लेना है तो आप लोग को कोई सा भी वीपीएन यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे तो हमारे को कुछ इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड जैसे ही वेट करोगे यहाँ पे कनेक्ट में आप लोग को क्लिक करना है एंड देन आप लोग को जाके ब्राउज़र में आप लोग को जाना है आप लोग कोई सा भी ब्राउज़र में जा सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग को क्रोम यहाँ पे मैं क्रोम यहाँ पे आ चुका हूँ क्रोम में एंड आप लोग को यहाँ पे टेम्पलेट आप लोग को सर्च करना है हीलिंग कैपकट टेम्पलेट यहाँ पे देख सकते हो हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट आप लोग को सर्च करना है एंड जैसे ही सर्च करोगे आप लोग को वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर वाला वेबसाइट में आप लोग को क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करोगे एंड ये वेबसाइट का लिंक आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग जाके वेबसाइट में आ जाना है एंड यहाँ पे यूज़ टू कैपकट आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट में तो क्लिक करना है एंड यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट में आप लोग को क्लिक करना है एंड जैसे ही यूज़ टेम्पलेट में आप लोग क्लिक करते हो आप लोग को वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा एंड जैसे ही वीडियो बन के तैयार हो जाएगा आप लोग ऊपर में एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है एंड जैसे ही एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क में आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट होने लग जाएगा तो आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड एक्सपोर्ट करके आप लोग को साउंड म्यूज़िक को लगा लेना है।